फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की शादी को बस अब 4 ही दिन बचे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शादी के पहले वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। दरअसल बात ऐसी है कि मिथुन के बेटे महाक्ष के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और सहमति बिना गर्भपात कराने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने महाक्ष पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार एक भोजपुरी अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि महाक्ष ने उनसे शादी का वादा किया था, इसके बाद शादी का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गईं तो उनकी सहमति के बिना उनका गर्भपात करवा दिया। FIR में यह बताया गया है कि यह घटना साल 2015 की है, जब महाक्ष ने भोजपुरी अभिनेत्री को अपने फ्लैट पर बुलाकर उनके ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर रेप किया था। इसके बाद महाक्ष शादी का झांसा देकर भोजपुरी अभिनेत्री का 4 सालों तक शोषण करते रहे। इस बीच जब अभिनेत्री प्रेग्नेंट हो गई तो उन्हें कोई दवा खिलाकर उनका गर्भपात करवा दिया। बता दें कि गर्भपात कराने में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली ने भी बेटे का साथ दिया था। आपको बता दें कि महाक्ष की शादी 7 जुलाई को होने वाली है। उनकी शादी मदालसा शर्मा से होने वाली है। मदालसा शर्मा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शीला शर्मा और डायरेक्टर सुभाष शर्मा की बेटी हैं। अब देखना यह है कि महाक्ष शादी के फेरे लेते हुए नजर आते हैं या फिर सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए नजर आते हैं। वायरल कीड़ा न्यूज़।